वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 रहने वाला है। इससे पहले हमने 23 तक एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है, डिटेल में। और ये आपके क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे तो पहले आप उनको देखिए, उसके बाद अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है अनुनाद पर एक टिप्पणी लिखिए। किस पर? अनुनाद पर, यानी कि रिजोनेंस आपका क्या होता है ये आपको बताना है। अनुनाद क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है, शॉर्ट में बताना है, ठीक है। राइट नोट ऑन रिजोनेंस, यानी कि अनुनाद क्या होता है इसको आपको शॉर्ट में बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही पास में लगा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और जो भी जानकारी है, जो भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं रिजोनेंस यानी कि अनुनाद। तो अनुनाद क्या होता है, कह रहा है अधिकांश कार्बनिक यौगिक, यानी कि बहुत से कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं आपके जिनको एक संयोजकता सूत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र से प्रदर्शित नहीं कर सकते या निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन को प्राय निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो बहुत से कार्बनिक यौगिक आपके ऐसे हैं जिनको एक संयोजकता सूत्र, यानी कि उसकी जो संयोजकता होती है वो बैलेंस कर दी जाए तो उसके सूत्र द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक सूत्र द्वारा। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है वहाँ प्लस का चार्ज दिखा दें, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वहाँ माइनस का चार्ज दिखा दें। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत से कार्बन यौगिकों को इस तरह से हम निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक ही चित्र द्वारा। तो इसके लिए क्या करना होता है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ते हैं, जिससे कि उस यौगिक की सभी प्रॉपर्टीज हम अच्छे से अध्ययन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले इनने एग्जाम्पल दिया कि बेंजीन का, किसका? बेंजीन का। तो बेंजीन को हम इस वाले चित्र द्वारा मोस्टली, सामान्यतः जनरली हम इसको बेंजीन को इस चित्र द्वारा निरूपित कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बना दिया, लो बन गई क्या आपकी, बन गई ये बेंजीन, ठीक है, क्या बन गई आपकी, बेंजीन बन गई। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये इनकी कोई पोजिशन फिक्स नहीं होती कि ये यहीं पर होंगे, ठीक है, एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसा नहीं है कि कार्बन एक और दो के बीच में ही डबल बॉन्ड होगा, तीन और चार के बीच में ही होगा, पाँच और छः के बीच में ही होगा, ठीक है, ये कोई इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो इसी को जानने के लिए कि इनकी पोजीशन जो है वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्टेबल रहते हैं, ठीक है, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ पर स्टेबल होगा, इसी को जानने के लिए इसकी कुछ रचनाएँ और बनाई गई, वो किस तरह से हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया। कह रहा है इस संरचना में तीन कार्बन कार्बन एकल बंध, तीन कैसे होते हैं आपके, कार्बन कार्बन एकल बंध, यानी कि तीन कार्बन आपके कैसे हैं जिनके बीच में एकल बंध होगा, वो कौन कौन से आपके, देखो एक दो, ठीक है, तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर आपको एक बंध मिल रहा है देखने को, यहाँ पर आपको एक बंध मिल रहा है देखने को, यहाँ पर आपको एक बंध मिल रहा है। तो तीन कार्बन इसमें ऐसे हैं जिनके बीच में आपको एक बंध देखने को मिल रहा है। कह रहा तथा तीन कार्बन बंध, तीन कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं। अब तीन कैसे बंध बॉन्ड हैं आपके, द्विबंध, एक ये बंध है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। तो तीन ऐसे कार्बन है, तीन बंध ऐसे हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और तीन कार्बन कार्बन के बीच में आपका कैसा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कह रहा है जबकि प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि बेंजीन में जितने भी बंध होते हैं कार्बन कार्बन बंध समान होते हैं, ठीक है, बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है आपका, समान है, बराबर है, ठीक है, और इसमें एक सी यानी कि सेम बंध लंबाई पाई जाती है, जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी कैसी है, सेम है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। वो कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है आपकी, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बेंजीन में। कह रहा है यह कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम सामान्य कार्बन कार्बन द्विबंध, सामान्य कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई कितनी होती है आपकी, 1.3, अगर सामान्य कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध की लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
तथा सामान्य कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई आपकी कितनी हो जाती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितना हो गया, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी सामान्य लंबाई होती है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो उनकी लंबाई होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के बीच में आपका एकल बंध हो गया यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा तो लंबाई कितनी होगी, बॉन्ड लेंथ आपकी हो जाएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपकी होती है, कह रहे हैं के मध्य होती है। ठीक है, के मध्य है। तो वास्तव में बेंजीन को निम्न दो संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो ये लंबाई है बेंजीन में, बेंजीन के बंध की लंबाई कितनी, 1.39, जो कि किसके बीच में आपको देखने को मिल रही, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिल रही 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, किसके, 1.34 जो कि डबल बॉन्ड के बीच, डबल बॉन्ड की लंबाई होती है, 1.54 जो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है, तो इनके दोनों के बीच में ये आपकी देखने को मिल रही है। ठीक है, जो कि किस में पाई जाती है, आपकी बेंजीन में पाई जाती है। ठीक है, तो इनको हम दो संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि आपको नंबर एक दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से आपकी संरचना है, ये दूसरी संरचना ये। अब यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड पोजीशन है वो हर जगह सेम सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, दूसरी संरचना आपकी कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी। ठीक, यहाँ पर देखो बॉन्ड यहाँ पर है इन दोनों के बीच में, अब मान लो आपका कहाँ पहुँच गया, यहाँ, फिर कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ, फिर कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड पोजीशन। ठीक, कौन सी हो जाएगी, सेकंड। तो फर्स्ट ये और सेकंड पोजीशन आपकी ये हो गई। ठीक है, ये तो सेम है, इसको हम सेकंड नहीं कह सकते। तो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आपकी दिखाई दे रही है, इनके दो संरचनाओं द्वारा हम बेंजीन को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, कह रहे हैं इन दोनों संरचनाओं में केवल इलेक्ट्रॉन के स्थानों में अंतर होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉनों के स्थानों में अंतर होता है। पहले इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ है, एक और दो के बीच में। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिल रहे हैं, दो और तीन कार्बन के बीच में। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन में अंतर आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा ना तो संरचना एक और ना संरचना दो के दो बेंजीन को सही रूप से प्रदर्शित करता है। अब ये जो संरचना आपकी एक और आपकी दो बनी हुई है, ये कह रहा है बेंजीन को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, बेंजीन को सही रूप से प्रदर्शित करता है, सॉरी, बेंजीन को सही रूप से प्रदर्शित कर रहा है, कौन सी, दोनों संरचनाएं, पहली और दूसरी वाली। ठीक है, गलत हो गया, पहली और दूसरी, ये दोनों संरचनाएं बेंजीन को सही रूप से प्रदर्शित करती है। अगर हम कहें कि केवल यही संरचना बेंजीन को सही रूप से प्रदर्शित करती है तो ये आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ना ही ये केवल ये संरचना सही रूप से प्रदर्शित करती है, दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों संरचनाएं बेंजीन को सही रूप से प्रदर्शित आपकी करती हैं। ठीक है, कह रहा है बेंजीन की वास्तविक यानी कि जो एक्चुअल संरचना है इन दोनों एक और दो में से कोई मध्य होती है, जो वास्तविक संरचना होती है बेंजीन की वो पहली और दूसरी संरचनाओं के बीच की कोई एक संरचना होती है, वो किस तरह की होती है, ये देखो। हाँ, पहले और दूसरे के मध्य होती है। ठीक है, तो पहली और दूसरी पोजीशन के बीच की कोई संरचना होगी जो बेंजीन की वास्तविक संरचना होती है, यह घटना जिसमें किसी एक यौगिक को दो या दो से अधिक संरचनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है और जिसमें परमाणुओं के स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। ये आपको याद रखना, क्या कहते हैं उसको, हम अनुनाद कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह घटना जिसमें किसी एक यौगिक को, किसको, किसी एक यौगिक को दो या दो से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, किसको, किसी यौगिक, एक यौगिक को दो या दो से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, और क्या होना चाहिए, जिसमें परमाणुओं के स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजोनेंस, यानी कि उसी को हम अनुनाद कहते हैं। तो ये आपको लाइन यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन के रूप में याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन वन हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रदर्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका, ठीक है, ठीक, ये हमने यहाँ मान लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ होंगे, कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में कोई एक पोजीशन बनेगी। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन वो इस तरह से होगी। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ थे, नंबर एक, चलो हम इस एक मान लिया, इसको हमने दो मान लिया, एक और दो के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहाँ है, इसको हमने मान लिया तीन, दो और तीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके शो हो रहे हैं, लेकिन दूसरी संरचना में आपको एक और दो के बीच में दिखाई दे रहे हैं, जब तीसरी संरचना बनेगी तो उसमें कहाँ दिखाई देंगे भाई, यहाँ पर तो हो गए, यहाँ
तो इसमें ऐसा माना जाता है कि जो अगली स्टेप होती है उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, पूरे बेंजीन में समान रूप से आपके क्या करते वितरित रहते हैं, ठीक है, समान रूप से वितरित रहते हैं, ठीक है, कोई पोजीशन फिक्स नहीं है कि केवल यहीं पर इलेक्ट्रॉन होंगे या यहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या यहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करते हैं क्लाउड टाइप बना लेते हैं, ठीक है, एक क्लाउड टाइप बना लेते हैं, तो उनको हम इस तरह से शो करते हैं। तो यही जो पोजिशन होती है इसी को हम अनुनादिक हाइब्रिड संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनादिक हाइब्रिड संरचना। किसकी? बेंजीन की, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपकी संरचना हो जाएगी, अनुनादिक संरचना हो जाएगी, ठीक है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये जो आपका होगा ये कैसा होगा, रिजोनेटिंग तो होगा लेकिन कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। कैसा होगा? हाइब्रिड होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, बेंजीन। तो मोस्टली हम बेंजीन को इसी रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हम इस तरह से बेंजीन को बना देते हैं, ठीक। तो इसमें कोई झंझट नहीं रहता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आपके शो हो रहे हैं। तो इसमें अगर आप बना फिर बाद में जब बनाते हैं तो हम कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनों को शो कर देते हैं, ठीक है, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, 2 या 3 के बीच में कहीं पर भी आप बना सकते हो। कह रहा है बेंजीन अणु को अनुनादिक हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन अणु को अनुनादिक हाइब्रिड यानी कि रिजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं, जो आपका विभिन्न संभावित वैकल्पिक संरचनाओं का रूप है। किसका है? विभिन्न संभावित वैकल्पिक संरचनाओं का, यानी कि उसकी और कई संरचनाएं बन सकती हैं लेकिन उनके बीच की जो एक संरचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनादिक संरचना या अनुनादिक हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है, बेंजीन को। कह रहा है विभिन्न वैकल्पिक संरचनाओं को अनुनादिक संरचनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनादिक संरचनाएं कहते हैं। और जितनी भी आपकी संरचनाएं होती हैं वो सभी आपकी क्या कहलाती हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादिक संरचनाएं कहलाती हैं। कह रहा है अनुनादिक हाइब्रिड को निरूपित करने के लिए आपको क्या करना होगा, अनुनादिक हाइब्रिड को निरूपित करने के लिए अनुनादिक संरचनाओं के मध्य में 2 तीर वाला ऐसा आपको बनाना होगा, ठीक, 2 तीर वाला एक चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं? 2 तीर वाला हम एक चिन्ह लगा देते हैं दोनों के बीच में, जैसे अभी इस तरह से आपने देखा था बेंजीन नंबर 1 और ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इन दोनों के बीच में हम 2 तीर वाला एक चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। कह रहा है इस प्रकार बेंजीन संरचना 1 और 2 अनुनादिक संरचनाएं हैं। अभी इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, ये दोनों कैसी हैं आपकी, अनुनादिक संरचनाएं हैं। कह रहा है बेंजीन की वास्तविक संरचना इन दोनों अनुनादिक संरचनाओं के हाइब्रिड द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो बेंजीन की वास्तविक संरचना होती है वो इन दोनों संरचनाओं के हाइब्रिड द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो वो किस तरह से आपकी मिली थी अभी, कुछ इस तरह से हमें जो हो रही थी, ठीक है। अथवा एकल संरचना, क्या ये क्या कहते हैं, एकल संरचना, जिसे हम 3 द्वारा, ठीक है, इसको हमने नंबर नाम दे दिए नंबर 3। ये एकल संरचना हम 3 द्वारा बेंजीन को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है विभिन्न अनुनादिक संरचनाओं की तुलना में अनुनादिक हाइब्रिड अधिक स्थायी होता है। ये जो आपका अनुनादिक हाइब्रिड बनता है, रिजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है, वो कैसा होता है इनकी तुलना में, ठीक है, अनुनादिक संरचनाओं की तुलना में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। कैसा होता है? स्टेबल होता है, ठीक है, मोर अधिक स्थायी होता है। कह रहा है हाइब्रिड संरचना तथा अधिकतम स्थायी अनुनादिक संरचनाओं के मध्य ऊर्जा में जो अंतर होता है उसे अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। अब देखो ये जो हाइब्रिड संरचना है और दूसरी कैसी है आपकी, अधिक दूसरी कैसी है आपकी, एक अधिक हाइब्रिड अधिक स्थायी संरचना है, ठीक है। इन दोनों संरचनाओं के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनाद संरचना, ठीक है। क्या कहते हैं? अनुनाद संरचना। किसके बीच में? हाइब्रिड संरचना और अधिक स्थायी संरचना। तो ये आपकी हाइब्रिड संरचनाएं होगी, ये कैसी होगी आपकी, अधिक स्थायी संरचना। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ऊर्जा का अंतर निकालेंगे तो वही ऊर्जा आपकी क्या कहलाएगी, अनुनाद ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुनाद ऊर्जा कहलाएगी। तो देखिए अनुनाद ऊर्जा को हम किस तरह से निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहा है बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा तापीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा उत्पन्न ताप के मापन द्वारा की जा सकती है, ठीक है। कोई बेंजीन अगर रिंग है या बेंजीन का यौगिक है तो उसको हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजनीकरण कर दिया। क्या कर दिया? हाइड्रोजनीकरण कर दिया, तापीय, ठीक है, उसको हीट दिए और हीट देने के बाद उसका जो बॉन्ड है बेंजीन के वो टूट जाएंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, हाइड्रोजनीकरण कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो ऊर्जा होगी उसको और एक नई दूसरी बेंजीन दूसरे स्ट्रक्चर की ऊर्जा, हम इन दोनों के अंतर को निकाल लेंगे तो भाई ऊर्जा क्या कहलाएगी आपकी, अनुनाद ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुनाद ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। तो काल्पनिक, ठीक है,
काल्पनिक यौगिक हमारा कौन सा है, 1,3,5 ट्राईसाइक्लो हेक्साट्राइन, क्या है 1,3,5 ट्राईसाइक्लो हेक्साट्राइन, तो ये आपका हो गया 1,3,5 ट्राईसाइक्लो हेक्साट्राइन हो गया, का बेंजीन मानकर, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, को बेंजीन मानकर हाइड्रोजनीकरण से 85.8 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा कितनी, इसको हमने क्या कर लिया, काल्पनिक बेंजीन मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, काल्पनिक बेंजीन मान लिया है, और इसके इसका हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजनीकरण कर दिया, तो हाइड्रोजनीकरण करने पर आपको क्या मिलेगी, 85.5 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए, जबकि वास्तविक बेंजीन अणु के हाइड्रोजनीकरण से 49.8 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे, जो वास्तविक बेंजीन की संरचना है उससे कितनी मिलती है आपको, 49.8 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा मिलती है, कह रहा है इस प्रकार दोनों हाइड्रोजनीकरण करने पर, दोनों का अगर आप हाइड्रोजनीकरण कर दोगे तो इतने किलो कैलोरी का अंतर आता है, कितना अंतर आएगा आपका, 36 किलो कैलोरी पर मोल का अंतर आता है, यह अनुनादिक ऊर्जा है, क्या है यह अनुनादिक ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा वास्तविक बेंजीन से कम है, इतनी ऊर्जा जो वास्तविक बेंजीन में इतनी ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है, अर्थात इतनी ऊर्जा के तुल्य बेंजीन अधिक स्थायी होगी, यानी कि इतनी ऊर्जा कितनी, 36 किलो कैलोरी ऊर्जा के तुल्य जो आपका स्ट्रक्चर होगा या बेंजीन होगा वो कैसा होगा आपका, अधिक स्थायी होगा, कैसा होगा, अधिक स्थायी होगा, ठीक है, तो यहां पर दे रखा है कुछ ऊर्जाओं का अंतर, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, काल्पनिक बेंजीन हो जाएगा, ठीक है, 1,3,5 साइक्लो हेक्साट्राइन, ठीक, तो इसका क्या कर दिया, तापीय हाइड्रोजनीकरण कर दिया, ठीक है, कैसा कर दिया, तापीय हाइड्रोजनीकरण, यानी कि ये बॉन्ड आपके टूट जाएंगे, ठीक है, ये बॉन्ड आपके टूट जाएंगे और यहां से 6 हाइड्रोजन, कितने, 6 हाइड्रोजन आपके कुछ इस तरह से लग जाएंगे, ठीक है, 6 हाइड्रोजन आपके इस तरह से लग जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, 6 हाइड्रोजन आपके इससे लग जाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये जो बॉन्ड टूटे हैं आपके, इन बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होगी, वो कुछ आपकी इस तरह से आ रही है, ठीक है, बंध तोड़ने या बंध बनने में कुछ आपकी इतनी ऊर्जा मिलेगी, 85.5 किलो कैलोरी, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, साइक्लो हेक्जेन, क्या हो गया, साइक्लो हेक्जेन, ठीक है, नॉर्मल, दूसरा हमने क्या ले लिया, बेंजीन का अणु ले लिया, अगर हम बेंजीन के अणु का तापीय हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, 49.8 किलो कैलोरी, कितनी, 49.8 किलो कैलोरी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बना हुआ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उसके बाद ये हाइड्रोजन जाके लग जाएंगे, क्या, हाइड्रोजन यहाँ पर जाके 6 हाइड्रोजन अपने 6 कार्बन से लग जाएंगे, तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा मिलेगी आपको, यहाँ पर ऊर्जा मिलेगी आपको 49.8, अब देखो इन दोनों ऊर्जाओं का अगर आप अंतर निकालोगे, क्या निकालोगे, अंतर अगर आप इनका निकालोगे तो आपको कितनी मिलेगी, लगभग 36 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल आपको इन दोनों में अंतर मिल जाएगा, अगर इतनी ऊर्जा और मिल जाए, कितनी, इतनी ऊर्जा वाला जो आपका बेंजीन होगा वो कैसा होगा, अधिक स्थायी होगा, ठीक है, कितनी, 36 किलो कैलोरी ऊर्जा के तुल्य, ठीक है, 36 किलो कैलोरी ऊर्जा के तुल्य आपका जो बेंजीन होगा वो कैसा होगा, अधिक स्थायी होगा, ठीक है, तो ये तो था हमारा अनुनाद, क्या था, अनुनाद, ठीक है, यानी कि रिजोनेंस, रिजोनेंस, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये दबा दीजिए लाइक का बटन, ठीक है।